इंडिया से अमेरिका तक का सफर, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आती है, कितने पैसे लगते हैं और कैसे जाते हैं, ठीक, और कितना समय लगता है जाने में, आज मैं यही सब आपको भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे इंडिया से यूएसए तक का डोंकी, ठीक। अभी भी कई भाइयों को डाउट होता है कि कैसे जाएं, किस एजेंट से मिलें, कैसे क्या है, तो आज हम इसको आपको इस बारे में पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कैसे कैसे चलना है, कौन कौन से देशों से होकर गुजरना पड़ता है और कितना पैसा लगना है, ठीक, और क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है आपको रास्ते में, और कितने यानी कितने देशों से होकर गुजरना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और कहाँ कितने दिन तक रुकना है, कहाँ कहाँ पुलिस मिलती है, कहाँ आपको आर्मी मिलेगी, और आपके साथ यानी आपको मारेंगे पीटेंगे क्या करेंगे, सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैक्सिको पहुंचने के बाद आपको कितना समय लगता है यूएसए जाने में यानी अमेरिका पहुंचने में, और आपको क्या क्या खाने को मिलता है, कैंप में क्या होता है यानी जब आपको कैंप में रख लेते हैं यानी जब आपको पुलिस पकड़ लेती है तब क्या होता है, मैक्सिको में कितने दिनों का कैंप में रुकना पड़ सकता है जो आपको, और कोलंबिया में अगर आपको पुलिस रोकती है तो आपको वहां पे क्या होता है, वहां पे कैसे क्या आपको निकलना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ। यानी शुरू से लेके जो आप इंडिया से स्टार्ट करते हैं ना, जो लोग वो कैसे करके निकलते हैं वो आपको पूरा हर एक चीज, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ठीक, वीडियो को बिना स्किप किए, यानी जो भी आपके डाउट होते हैं टोटल सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज, कि कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं सारे प्रॉब्लम आज आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। यानी इंडिया से यानी मेक्सिको का बॉर्डर पार होने के बाद आपको अपना पासपोर्ट फेंकना है, अपना मोबाइल फेंकना है, क्या करना है यानी सामान सारा फेंकना है, छोड़ना है, साथ में लेके जाना है, ये सारे बातें आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बहुत से भाइयों का डाउट होता है ना कि हम 18 वर्ष से कम के हैं यानी 18 साल से हम कम के हैं तो क्या हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते डोंकी से, भैया वो भी जा सकते हैं उनका, बल्कि एक फायदा और है उनके पैसे भी कम लगते हैं, ठीक है। 18 वर्ष से जो कम के जाते हैं उनके थोड़े कम चार्ज लगते हैं, बाकी 18 से ऊपर उनके चार्ज भी ठीक ठाक ही लग जाते हैं। और जो वहाँ पे आपको बॉन्ड आपको भरना होता है ना, यानी जो बॉन्ड वहाँ पे होता है वो कितने का होता है, कितना यानी कितने डॉलर उसमें भरे जाते हैं, कौन भरता है, कैसे भरेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में टोटल डिटेल्स में सब कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखें, और आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो शेयर भी कीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमारे हमारे इंडिया से काफी सारे लोग डोंकी ला के जाते हैं तो उनको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए लेट्स को वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे अमेरिका के लिए डोंकी लगाना है, ठीक, आज का ये हमारा यही टॉपिक है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ना आपको देखो आपके एरिया में जो एजेंट होते हैं ना वो उनको यानी कि उनसे कांटेक्ट करना है, यानी सब पे भरोसा नहीं करना होता इसमें। देखो कोई कोई होते हैं जो सही होते हैं, ठीक, आप ऐसे एजेंट को पकड़े जो आपको भरोसे वाला हो, ठीक, आपको जानने वाला, कोई रिलेशन में कोई आपका बंद यानी किसी आस पड़ोस के बंदे को उसने भेजा हो पहले, ठीक, ऐसे बंदे को पकड़ना है हमें, ठीक है। आप ऐसे बंदे को मिलो, ठीक, आपके एरिया में जो कांटेक्ट है यानी जो एजेंट है आपके एरिया में जो एजेंट है उससे कांटेक्ट कीजिए, उसको पैसे दीजिए, वो आपको डोंकी लगाएगा। और ऐसे भी किसी को पैसा नहीं दे रहे, देखो बहुत से लोग इसमें फ्रॉड भी करते हैं, बहुत से लोग क्या है ना फ्रॉडगिरी का भी काम करते हैं इसमें, तो आप प्लीज फ्रॉडगिरी से बचे रहिए, ठीक। इसलिए भरोसे के बंदे को दीजिए, जो आपके जानने वाला हो, आपके किसी आस पड़ोस के बंदे को उसने भेजा हो तो उसी बंदे के पास जाइए, ठीक है। डोंकी का रेट कम से कम, देखो डोंकी का रेट क्या होता है, कम से कम 30 लाख से, यानी डोंगी के रेट ना जो कम से कम होता है वो 30 लाख से लेके 50 लाख का होता है, ठीक, और एडवांस में होता है वो 40 लाख के लेके 60 लाख तक का होता है, 70 भी पहुंच जाता है, तो ये रहे डोंगी के रेट, ठीक है। तो आपका जितने में भी उससे बनता है वो आप उसमें जा सकते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं ना कि हम डायरेक्ट मैक्सिको जा सकते हैं क्या, यानी डायरेक्ट मैक्सिको आ सकते हैं, तो भैया अगर ऐसा होता ना तो कोई डोंकी लगाता ही क्यों, हर कोई डायरेक्ट मैक्सिको पहुंचता, वहां से सबको पता है मैक्सिको पहुंच गए बॉर्डर कूद के चले जाना है, तो ऐसा नहीं है। मैक्सिको क्या है ना, मैक्सिको ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर अमेरिका दबाव बनाता है, क्योंकि मैक्सिको एक कंट्री है जो पड़ती है लास्ट में, इसको पार करने के बाद लोग जाते हैं यानी अमेरिका में घुसते हैं, तो मैक्सिको इंडिया खासकर इंडिया के लोगों को तो वीजा ही नहीं देता, वो चाहे आप टूरिस्ट वीजा लेने जाओ चाहे स्टडी वीजा लेने जाओ, तो बहुत ज्यादा हार्ड कर रखा उसने आपको। अगर टूरिस्ट वीजा लेने जाते हैं अगर आप इंडिया से हैं तो आपको पहले ही आपके पासपोर्ट पे 4-5 देशों का घुमा हुआ होना चाहिए, तब तो जाके आप वहां का टूरिस्ट वीजा ले सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आप सोचो फर्स्ट टाइम ही टूरिस्ट वीजा ले लूँ ना, वो भी ठीक ठाक कंट्री की टूरिस्ट वीजा होनी चाहिए आपके ऊपर। हाँ दो तीन चीजें और हैं, अगर आपके आपके पासपोर्ट पे ना कनाडा का लगा पड़ा है, आपने वीजा लगाया पड़ा है पहले का आपको, आप जा चुके हैं वहां से, तो आप जा सकते हैं वहां पे टूरिस्ट वीजा पे, ठीक है। कनाडा का लगा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं पहले तो आप वहां पे तो भी आप इजिली जा सकते हैं, तो ये चीजें हैं, यानी कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते मैक्सिको, ठीक है ना। मैक्सिको से पहले आपको, आप मैक्सिको तो डायरेक्ट जा ही नहीं सकते, लोगों को अच्छे से पता है ना कि इंडिया के ये आएगा
तो यहाँ पे नहीं रुकेगा, जाएगा मौका देखते बॉर्डर पार करके भाग जाएगा सीधे अमेरिका। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, अमेरिका दबाव बनाता है उसके ऊपर, इसलिए भी इसलिए मेक्सिको अपना वीजा नहीं देता है। बहुत से लोग पूछते हैं डोंकी कैसे जाएं, तो आप एजेंट को कांटेक्ट कीजिए, उसको पैसे दीजिए, वो आपको डोंकी से भेजेगा। ठीक है, कौन कौन से रूट से होकर गुजरना होता है तो मैं आपको बताऊंगा। और आपके एजेंट ने और आपके एजेंट ने आपका दुबई का यानी कि इस्लामिक कंट्री में किसी कंट्री का और आपका टिकट कटा दिया है, तो सोच लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, आपको वहां का तो आपको, और दुबई के तो आपको देखो साफ सा सिंपल सा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वहां, और कुछ नहीं। आप डोंकी आपकी कुछ नहीं लगी कि खाली आपको आपके साथ फ्रॉड कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सही एजेंट को पकड़िए, आपको पहले पता लगेगा कोई टिकट हो रही तो कहाँ की हो रही है। तो आप अगर आपका वहां का हो रहा है तो आपको पता लग रहना चाहिए कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। अगर किसी कंट्री से आओगे तो आपको पहले देखो, आपको पहले ब्राजील जाओगे, ब्राजील से फिर बोलीविया जाओगे आप। ठीक है, बोलीविया से फिर आपको पेरू जाना पड़ेगा, पेरू से फिर इक्वाडोर, इक्वाडोर से फिर इक्वाडोर से आपको निकलना होगा कोलंबिया के लिए। ठीक है, कोलंबिया से फिर आप निको कॉलेजा के जाएंगे। फिर निको कॉलेजा जाएंगे तो आपको समुद्र के पास आपको बोट में यानी आपको बोट से फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, आप यानी कि कोलंबिया से आपको बोट से सफर करना है, यानी समुद्र में आपको समुद्र से सफर करना होता है। कोलंबिया से निकलने के बाद ही आप ब्राजील जाओगे, तब आपको एयरपोर्ट पर स्टॉप करना भी पड़ सकता है क्योंकि वहां पे कई बार चेकिंग भी चलती है ना, तो बहुत से लोग से पूछते हैं कि जो एयरपोर्ट पे पुलिस मिलती है वो मारती पीटती तो नहीं है। तो नहीं, एयरपोर्ट पे जो पुलिस मिलती है वो आपको मारती पीटती नहीं है, 2 से 3 बार आप मिल सकती है। ठीक है, आपको रास्ते में जो 2 से 3 बार आपको पुलिस मिल सकती है वहां पे। ठीक, तो जो भी बंदे होते हैं ना, जब पुलिस मिलती है तो जो भी बंदे होते हैं वो 10-10, 20-20 डॉलर करके, यानी 20-20, 30-30 डॉलर, 40-40 डॉलर कर मिलकर 20-25 बंदे होते हैं 40 बंदे के एक साथ, तो इतना करके पुलिस वालों को देते हैं ना, तो पुलिस वाले वहीं पे केस रफा दफा कर देते हैं, उनको कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है, उनको आप पैसे दे दीजिए, आप मिलके तो वो आपका काम कंप्लीट कर देंगे, आपको वैसे ही भेज देंगे आगे। ठीक, कोलंबिया तक का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है ज्यादा। इस बात को आपको याद रखना है कि आपको मैक्सिको में पुलिस वाले ना ही पकड़े तो बेहतर है। आपको कई बार क्या होता है ना, पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं और 10-10, 15 दिन का कैंप लगा। आपको ये शुक्र मनाना है कि आपको मैक्सिको में पुलिस ना मिले। ठीक है, वरना आपको वो डिपोर्ट करा देंगे, आपको डिपोर्ट भी करा सकती है पुलिस वहां की, क्योंकि वो देखो आपको कोलंबिया में मिली पुलिस, वो तो कोई उसका कोई वो नहीं है ज्यादा, और वो कुछ नहीं कहेगी आपको। बंदे हो, बंदे 10-40 बंदे मिलके अगर आप 10-10, 20-20 डॉलर दे देते हो तो काफी पैसा हो जाता है ना, तो उनके लिए वो बहुत है। मगर जो मैक्सिको में पुलिस है उसको ये सब नीचे होता है। ठीक, वो आपको डिपोर्ट भी करवा सकती है, तो आपको ये शुक्र देखना है ध्यान से कि आपको वहां पे पुलिस ना मिले। मैं एक बात बता दूं आपको मैक्सिको की, कोलंबिया में तो आपको ऐसे रफा दफा करा सकते हैं, मगर मैक्सिको में ना आपका फोन भी छीन लेंगे, आपके पैसे भी छीन लेंगे, और भी माफिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो भी आपके साथ यानी फ्रॉड कर सकते हैं। नहीं देखो, सारा खेल आपके डोंकी के जो एजेंट है ना उसी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो अच्छा है तो आप बिल्कुल सेफली पहुंचेंगे। ठीक, इसलिए बढ़िया यानी एक सही एजेंट को पकड़िएगा। ठीक, क्योंकि सारे मिले जुले होते हैं, है ना। जब आप निकोहोली से निकलेंगे तो आप जाएंगे कपूरगाना। ठीक, कपूरगाना जाएंगे ना, तो वहां पे आपको बोट में जाना होता है। फिर आपको जब बोट में जाते हैं ना, तो उसमें क्या छोटी सी बोट होती है, उसमें 40-50 बंदे बैठे रहते हैं, तो सबसे ज्यादा दुखी आप तभी होंगे क्योंकि छोटी सी बोट उसमें 40-50 लोग है ना, और समुद्र की लहरें, अब 2 से 3 घंटे का रास्ता है। ठीक है, तो अब समुद्र के बीच से निकलना होता है, उनको काफी स्पीड से चलते हैं और समुद्र की लहरें भी होती है, छोटी बोट पलट भी सकती है, तो डर होता है पलटने का। अब बहुत से भाई लोग ये क्या सोचते हैं ना कि बोट पलट गई कोई नहीं हम तैर के पार हो जाएंगे, तो भैया ऐसा नहीं कर सकते। अब जहां भी देखेंगे सिर उठा के आपको नीला ही नीला दिखना है, खाली पानी दिखेगा, अब ऐसे ही पर कंफ्यूज जाएंगे आपको जाना किधर है। तो बीच में अब पता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हो किसी के साथ, मछलियां वछलियां भी ना खा जाए, तो ये सारे आप कुछ आपकी डोंकी के ऊपर निर्भर करता है, जो आपको एजेंट है ना सारा कुछ इस पे निर्भर है कि वो कैसा है। उसके बाद आपको आप पनामा पहुंच जाएंगे, फिर पनामा से आपको देखो 5 से 6 दिन आपको लग जाएगा जाते हुए। उस बीच आपको क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है, आपको उस टाइम ये प्रॉब्लम होती है ना, आपको खाने पीने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं होता, वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसमें भी देखो माफिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है, उधर भी माफिया लोग भी हैं, तो उनका भी है। ठीक है, तो फिर आपको 5 से 6 दिन और फिर आप कैंप पहुंचते हैं, फिर वहीं पर आपको खाना पीना भी हो पाता है अच्छे से। और जब आप पनामा पहुंच जाते हैं ना, तो पनामा पहुंचने के बाद जब आप कैंप में पहुंचते हैं, कैंप में पहुंचने के बाद जब निकलने से पहले यानी पहुंचने के बाद, वहां पे आपका सरकारी कार्रवाई होती है, यानी पुलिस वाले होते हैं, वो आपसे यानी जांच पड़ताल करते हैं, पूछते हैं, आपका सामान चेक करते हैं, यानी ज्यादा कुछ वो नहीं करते, उनको कोई इशू नहीं होता, बस खाली वो चेक कर। फिर आप गाड़ी या बस से यानी किसी भी चीज से फिर आपको देखो मैक्सिको लेके जाएंगे,
और मेक्सिको जब आप बॉर्डर के पास पहुंच जाएंगे ना, तो वहां पे एक चीज है कि तब तक आपको डोंकी वाला, आपको जो डोंकर है वो आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं कराएगा जब तक आपकी पूरी पेमेंट आपके एजेंट तक ना हो जाए। ठीक, जब आपके एजेंट तक आपकी पूरी पेमेंट हो जाएगी फिर उसके बाद जाके वो आपको यानी बॉर्डर क्रॉस कराएगा। बॉर्डर क्रॉस कब कराएगा वो अपने हिसाब से कराएगा, जब वहां की पुलिस हट जाएगी ठीक है तब वो आपको कराएगा। आपको सेफ्टी के साथ ना, आपको सेफ्टी के साथ आपका डोंकर होगा वो आपको बॉर्डर कूदा देगा। ठीक है, उसके बाद आप कुछ टाइम यानी थोड़े दूर ही जाएंगे पैदल चलते चलते, तभी आपको देखेंगे ना कि वहां पे फिर आपको पुलिस मिल जाएगी। फिर वहां से वो आपको गाड़ी में चाहे जिसमें बस उसमें जो भी है उनके पास लेके जाते हैं, फिर वो आपको कैंप लेके जाएंगे ना। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको रख लिया उन्होंने तो बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको चोट लगी तो वो आपका इलाज भी करेंगे, ठीक है, इलाज भी चलता है, आपको खाने के लिए भी देते हैं, बस ये कि 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ देते हैं। 3rd डिग्री टॉर्चर क्या होती है वही मैं आपको बताता हूँ। आपको देखो खाना भी मिल रहा है, बार बार आके डिस्टर्ब करते हैं, पूरा पेट पर खाना नहीं देते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना देंगे आपको, आएंगे हर 1 घंटे में 2 घंटे में आएंगे फिर आपको खाना देंगे, उठो खाना खाना नहीं, आपको दिन भर परेशान करके रख देंगे, ना रात में सोने देंगे ना दिन में, यानी 10-12 दिन तक आपको ऐसे टॉर्चर किया जाता है। और एसी लगी होती है, वो ठंडी हवा होती है ठीक है, वो एक तो चिल्ड कर पूरी कुल्फी जमाने वाली होती है, यानी उतना भी ठंडा नहीं होता बट ठंडा तो लगता है ना, एसी में रहोगे तो ठंड लगने लगेगी वो भी इतने से कपड़े में, तो ये सब आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। उसके बाद वहां पे एक चीज और है जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, वो आपको ओढ़ने के लिए ना कुछ और नहीं सिल्वर वाली पन्नी देते हैं। वो क्या करते हैं ना, आप हल्का सा भी इधर उधर करते हैं चिट चिट की आवाज करता है, यानी वो ना सोने देता है ना बैठने देता है। और एक तो कमरों के अंदर ना 40 40 50 50 बंदे होते हैं, कई बार तो ये होता है आप सो ही नहीं पाते और ना बैठने की जगह होती है, तो बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है ना, यानी ज्यादा दिन तक नहीं फेस करना है, 10 से 15 दिन तक मुश्किल से। ठीक है, उसके बाद आपको चौकी भी लेके जाएंगे, वहां पे आपकी कागजी कार्रवाई होगी। वहां पे क्या है ना, आपका बयान लिया जाता है, ठीक है, बहुत से लोग बंदे पूछते हैं बयान में होता है क्या करना है, और आपने बयान बदला अपना, बार बार बयान बदल दिया आपने, तो आपको रिपोर्ट भी करवा सकते हैं, आपको ये चीज याद रखिएगा ठीक है ना, आपको रिपोर्ट भी करवा देंगे वो, आपको अपने एक ही बयान पे डटे रहना है। ठीक है, तो वहां पे आपको बयान ये पूछते हैं कि कैंप में लेके जाने के बाद मारते उड़ते तो नहीं है, तो नहीं भैया वो मारते उड़ते नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करते। ठीक, वहां पे ऐसा कोई इशू नहीं है, आप उसके कोई परेशान ना हो, वो नहीं मारते वहां पे कोई भी, ना मारना पीटना, आपको चोट लगी है तो इलाज भी करते हैं, है ना, चोट लगने पे इलाज भी करते हैं, तो मारते उड़ते नहीं है वो। बयानों के साथ साथ ना आपका फिंगर भी स्कैन करते हैं वो, है ना, फिंगर भी स्कैन कर लेते हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई साहब कि देखो आपको बयान अपना बदलना नहीं है, और अपना बयान बार बार बदलेंगे तो देखो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं वो लोग, तो इस सिलसिले में मत रहिएगा आप कि पता हमने बयान कभी दे दिए डर के मारे दे दिया, नहीं डरना नहीं है, मारते हो तो कुछ नहीं है, अभी सोचो मारेंगे तो नहीं मारेंगे। ठीक है, अपना बयान रखना है एक ही, है ना, उस पर डटे रहना है, आप उस पर जमे रहे तो देखो 3 4 5 बार पूछते हैं, फिर उसका तब कागजी कार्रवाई करके फिर वो आपको निकाल देते हैं। ठीक है, आपको फिंगर विंगर स्कैन, यानी आपको एक ही बयान पे डटे रहना है। ठीक है, कहने का मतलब यही है। फिर उसके बाद आता है आपके बॉन्ड के नंबर का, आपका जो बॉन्ड आता है वो कितने का आता है, कम से कम 2000 से लेके यानी 1500 से लेके 3000 तक का आता है, और ज्यादा से ज्यादा देखो 20000 तक भी आ सकता है, 20 से 30000 भी चला जाता है, क्योंकि बताते हैं 20000 भी चला जाता है। ठीक है, तो वो बॉन्ड की टेंशन होते हैं ना लोगों को, वो कौन भरेगा, कैसे फील होता है वो, कौन भरेगा उसको, कैसे क्या होगा, $20,000 कौन भरेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका जो एजेंट होता है ना उसी को भरना होता है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो वहां पे क्या होता है ना, आपका एरियल नंबर होता है, क्या वहां पे टेलीफोन होते हैं, आपको कॉल करना है अपने घर पे, पेरेंट्स को कॉल कीजिए, किसी को भी कॉल कीजिए जो आपको बात ना एजेंट तक पहुंचा दे, आपके आपके एजेंट तक आपकी बात पहुंच गई तो समझो आपका काम हो गया, आपके एजेंट तक आपकी बात पहुंच जाती है। ठीक है, फिर वो आपका बॉन्ड वो भरवा देता है। वो क्या होता है ना कि जो वहां पे गारंटर होता है आपका, वो पूरा यानी गारंटी लेता है, फिर वो अपना बयान देता है, हाँ मैं इस बंदे को जानता हूँ, फलाना ढुमकाना बंदा है, यानी कि जो भी है, यानी वो वही अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, वो सारा कुछ आपका एजेंट ही कराएगा। ठीक है, वो गारंटर चाहिए होता है, तभी फिर आपका बॉन्ड भरते हैं, फिर बॉन्ड भरने के बाद वो सब कुछ करेंगे, फिर आपका निकल जाएंगे वहां से। फिर उसके बाद आपको क्या होना, फिर उसके बाद अपना केस फाइल कर सकते हैं ना, केस फाइल लगा सकते हैं, तो केस फाइल लगाने के बाद 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको परमानेंट वर्क परमिट मिल जाएगा। उससे पहले ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर सकते, काम करेंगे, आपको आसपास का एरिया दे दिया जाएगा, उन्हीं एरियो में आपको काम करना है। ठीक है, उसमें होता है बस यही कि थोड़ी सी प्रॉब्लम, पैसे कम देते हैं, काम थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, मतलब थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, 6 महीने पैसा मिलता है मगर उतना नहीं, यानी कि हल्की फुल्की प्रॉब्लम का फेस कभी कभी करना पड़ जाता है, ज्यादातर लोगों केसेस में तो नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। बाकी आपको जब वर्क परमिट मिल जाएगा आपका, तो आपको कंटिन्यू आप जितना भी काम करेंगे आपको उतना पेमेंट आपको मिलेगा। अब बहुत से लोगों के मन में ना डाउट होता है कि मैं हम क्या वहां जाने के बाद फिर इंडिया वापिस आ सकते हैं, तो नहीं आ सकते, ये बात आपको सुन लीजिए, आपको ध्यान देनी चाहिए।
और आप जैसे तैसे करके आ भी गए ना तो जा नहीं पाएंगे, आप तभी आ सकते हैं जब आपका पीआर बना हो, वरना अगर आ गए ना तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, आपको ये लगेगी, इसलिए पहले वहां पे रुक के अपना पीआर बनाइएगा तभी आएगा, क्योंकि अगर आप आ गए तो फिर दोबारा जा नहीं पाएंगे, तो इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। तो आपका जब वहां से पीआर बन गया हो तभी आप आएगा, पीआर बनने के बाद आप आ सकते हैं, है ना। वहां पे भी वहां पे चले जाइए आप, वहां पे अगर जाएंगे हैं तो आने की जरूरत नहीं है। अब वहां से कुछ मत कीजिए, अगर आपके अपने पेरेंट्स को बुलाना है अपने पास ना, तो सिंपल सा ट्रिक है, उनको टूरिस्ट वीजा पे बुला लीजिए, 6-6 महीने का, एक दो दो साल का होता है, उनको बुला लीजिए, फिर जाएंगे, फिर वीजा खत्म होगा, फिर भरवा के बुला लीजिए। आप वहां पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं होगा इशू, है ना। तो आप ऐसे करके आप ये कर सकते हैं। तो यही आज की वीडियो में था, आपको पूरी डिटेल्स की डोंकी से कैसे जाते हैं, किन किन रूटों से जाना होता है, किन किन देशों से होकर गुजरना है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, यानी सारी डिटेल्स दे दी है। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो ना, पूरे वीडियो में पूरा फुल डिटेल मैंने दे दिया कि डोंगी कैसे लगाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ से जाना है, तो मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में टोटली बता दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको ना भविष्य में आने वाले सारे यानी जितने वर्क परमिट हैं, चाहे स्टडी वीजा है, सबसे चीजों से आपको पता लगे, यानी सबसे पहले आप वीडियो देख सकें, ठीक। और वीडियो को प्लीज शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कई भाई जाते हैं उनको पता नहीं होता, तो उनको पता रहना चाहिए ना कि ये फेस करना है, तो पहले से अपनी तैयारी करके रखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चाहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।